सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं निचले वाले घर के पास से। इस तरफ है घर, मतलब ये भी ऐसे आधा अधूरा छूट गया है, और इस तरफ है SVM स्कूल। तो ये जो ये नीचे वाला हॉल है ना, मुझे यहाँ की साफ़ सफाई करनी है, और स्कूल लगने से पहले मुझे जल्दी जल्दी आना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ी सी कुर्सी चाहिए थी स्कूल की, ताकि मुझे एक फ़ोटो खींचना था यहाँ से, वो भेजना था, और वो फ़ोटो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और बकरे मैंने खेत में रखे हुए, अभी चलते हैं अपने हॉल में नीचे, तो वहाँ पर होगी हमारी हैंडबैग बनाने की ट्रेनिंग शायद, क्योंकि जो हमारे मैडम है ना, उन्होंने बोला था कि फोटो खींच कर देना। तो ये है हॉल में, अंदर से भी बताऊंगी आपको इस। तो ये रहा हमारा हॉल, और बाहर से अभी काम करने को है, और नीचे टाइल वगैरह लगा दी है, और ये चार कमरे का हॉल है हमारा। यहाँ इस तरफ ना कुछ सामान है घर का, तो उसको घर के लिए ले जाना है, और इस तरफ है गैलरी, तो इस गैलरी में ना लाइट नहीं है, अंदर से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है। और ये रहा हॉल, तो शायद यहाँ पे होगी ट्रेनिंग, क्योंकि 30 लेडीज़ों के लिए ना खुला हॉल चाहिए होगा, तो शायद यहाँ पर भी हो सकती है ना। तो चलो मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ फटाफट से। मैंने फ़ोटो खींच लिया। टेबल है ये हमारा, ये घर का, जब स्कूल में फंक्शन हुआ था ना तब से ये यहीं पे पड़ा हुआ था। और ये सोफ़ा, ये भी यहीं पे ही, इसको घर के लिए ले जाना है क्योंकि ये घर का सामान है। और सेटिंग करनी है इसकी अच्छे तरीके से। और ये रहा हॉल, तो मैं इसकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और तो मैंने फेस को कवर कर लिया है, और ये है SVM स्कूल साथ में ही, और ये है यहाँ का ग्राउंड। और बच्चे आने लग पड़े क्योंकि अभी सुबह सुबह 7:30 बजे का टाइम हो गया, 7:30 हो गए होंगे, अच्छा तो 8 बजे का टाइम है, 8:30 बजे लगता है स्कूल। तो ये स्कूल के PN है, इन्होंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया है, और बच्चे अभी आ रहे हैं। मैं कर रही हूँ अपने हॉल की सफाई, तो मैंने फेस को कवर कर लिया है, और इस तरफ टॉयलेट है, और ये स्कूल के 6 कमरे, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 2, 6, ये ऑफिस है ये वाला, बाकी कमरा 6 कमरे ऊपर है। तो अब मैं चलती हूँ, और मैं कर लेती हूँ हॉल की सफाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जाले जाले लगे हुए हैं देखो यहाँ पे, और झाड़ू भी लगाने को है, तो मैं अपना ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट से। और बकरे ना भाग दौड़ के फिर एक घर पहुँचाएगी, क्योंकि आजकल मक्खी होती है ना बहुत ज़्यादा। चलो देखती हूँ जो भी रहेगा। तो पशुओं को कर दिया है अंदर, और आंगन में पूरा झाड़ू लगा दिया है, तसला भर दिया है, क्योंकि ना दिन को बहुत ज़्यादा मक्खी होती है। और जब मुझे 9:30 बजे का टाइम हो गया था नीचे ही, तो नीचे का काम भी कंप्लीट हो गया, पर मुझे ना ये घास रह गया उठाने को, तो पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिया, दरवाजे बंद कर दिए हैं, और मक्खियों के लिए ना थैले लगाने पड़ते हैं, एक तरफ से लगाने पड़ते हैं और एक तरफ से नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ से ना फिर मक्खी आ जाती है बाहर जब अंदर अंधेरा होता है। और स्कूल वाले सोफे थे, वो मैंने बताया था नीचे कि ये इनको ना घर पहुँचाना है, तो ये स्कूल वालों ने पहुँचा दिया है यहाँ पे भी। और अभी मुझे खाना बनाना है, खाना बनाते हम दोपहर को, जब खाना हो ना तभी बनाते, सुबह नहीं बनाते, सुबह टाइम हमें लगता है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना वो काम करने को होता है, फिर दिन को धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। टेबल भी पहुँच गया है यहाँ पर, और टाइम हो गया है 10:50, और अब चलते हैं अपने किचन में। तो किचन में अभी रोटी क्या बननी है इसका तो मुझे सोचना पड़ेगा, है ना। तो चूल्हे में ना सुबह आग भी नहीं जलाते, सिर्फ चाय बनाते हैं, और चाय पीने के बाद कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ झाड़ू लगा देते हैं ऐसे सुबह सुबह, मतलब झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है, पूरे धो दिए। अब सब्जी क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी ये तो अभी, ये तो वही बड़ा लंबा काम है, पर उससे पहले मुझे स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर जो भी मतलब रूटीन होगी शाम के टाइम करूँगी मैं, अब जो भी रूटीन रहेगी, क्योंकि अब खाना बनाना है और खाना है बस, और कोई काम नहीं।
देख लेती हूँ वॉशरूम में, गीजर तो बंद है पर शायद इसमें ना पानी गर्म ही होता है। पर खाना जल्दी से बन गया तो पोचा भी लगा ही दूंगी। ये तो तुक्के का काम होता है, ये जो पोचा का काम है ना तुक्के का, कभी कभी मैं हफ्ते में 2 बार भी लगा देती हूँ, कभी कभी हफ्ते में ना 1 बार भी लगता है। और इस तरफ मक्की का बीज आ गया है, बाजरा वगैरह सब कुछ रेडी है एकदम, बस बारिश का ही इंतज़ार है। ठीक है, तो चलो थोड़ी देर बैठ लेती हूँ क्योंकि थक गई हूँ। आजकल ना थोड़ा थोड़ा सा काम करने से भी आदमी थक जाता है एकदम। नीचे हॉल में ना बहुत ज़्यादा धूल ही धूल थी और पूरा चेहरा ना ऐसे तो मैंने कवर कर रखा था, दूसरे वाली जो क्या बोलते हैं उसको दुपट्टे से कवर कर रखा था ना, वो इतना धूल धूल हो गई है उसकी, तो मैंने रख दिया है बाहर। और अब शाम के टाइम देखती हूँ मिर्ची के पौधे लगाने हैं ना, तो जो भी रूटीन रहेगी वो करेंगे आपके साथ शेयर। तो अब तो मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि अब सारा काम ना चुप चुप करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा काम करने से भी आदमी इतना थक जाता है पता नहीं क्या जैसे। और सबसे ज़्यादा ना मेरे को गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये जो पीछे ये मणका जैसा होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। काम में दाएँ हाथ से करती हूँ और दर्द मुझे इस साइड होती है, इस तरफ इस कंधे पे। चलो क्या करना। तो शाम के टाइम की रूटीन चल पड़ी है और मैं ले आई हूँ मिर्ची के पौधे। और ये जो मिर्ची के पौधे ना ये लगाने पड़ते हैं शाम के ही टाइम, अगर दिन को सुबह लगाएंगे ना तो दिन को बहुत ज़्यादा धूप तपने से पौधे मुरझा जाते हैं। हाँ चलो करो। तो शाम के टाइम जो भी हम पौधा रोपण करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी देने से फिर रात भर ना नमी रहती है पौधे के नीचे और फिर मुरझाने का बहुत कम खतरा रहता है। ऐसे भी हमारी ना ये जो मिट्टी है ये रेतली और पथरीली है, तो इसमें विशेष ध्यान पानी का ही रखना पड़ता है। इसके बाद मुझे जाना है नीचे खेत में अपने बकरी ले जाने चुगाने के लिए, क्योंकि सुबह शाम चुगाना पड़ता है उनको। और मिर्ची के पौधे मैं लगाती हूँ थोड़े थोड़े जैसे। ठीक है, तो मिर्ची के पौधे लगाने के बाद मैं नीचे वाले खेत में चली गई हूँ। आज मैंने ना परांदा लगा कर रखा क्योंकि परांदे में बाल बिल्कुल भी नहीं उलझते, और ऐसे बोलते परांदा लगाने से ना बाल लंबे होते, तो चलो जो भी है ना। और कपड़े चेंज करने पड़े क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गुम्बर है, और ये जो खेत की ये साइड होती है ना सीत वाली, इसमें बहुत ज़्यादा गुम्बर है। और ये पत्थर देखो, पत्थर उठा रही हूँ मैं, जो पत्थर गिरे रहते हैं ना खेत में सीत सीत में, उनको उठा रही हूँ और परे नाले में फेंक रही हूँ। पर इस तरफ है नाला और खेत एकदम रेडी है, अगर बारिश पड़ेगी तो सभी लोग मक्की बीजेंगे। और गोबर का स्टोर हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है, नया स्टोर ऊपर वाला बंद कर दिया है, जो ऊपर हम गोबर स्टोर कर रहे थे क्योंकि ऊपर के खेत को खाद हो गई है जितनी मतलब होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा।